बोलती है तुम तो काले हो, मैं तुमको काला देख के इसलिए शादी किया था कि तुम हमारा गुलाम बन के रहोगे। टच वच नहीं करने देती थी, हमसे बोलती थी नहीं, कोई मतलब नहीं रखती। पहली पत्नी से तो गए भी थे बेचारे, दूसरी पत्नी भी नहीं रही, वो भी इनको प्यार नहीं करती है। आप ही की पत्नी का, यानी आप ही का बच्चा हुआ और आप ही की पत्नी आपको इन्फॉर्म नहीं करती है? जी हमको बताई नहीं। पत्नी मरवा देती है, पिटवा देती है, जेल भिजवा देती है, उसके बाद भी प्यार से रखेंगे? हाँ भाई, मतलब पत्नी के घर वाले आपको घर में बंद करके मारते पीटते भी हैं? हाँ, सरकार के उसके पिताजी बताए ना कि SDM के ऑफिस में चपरासी हैं, उन्हीं के दौरान मतलब नाना प्रकार का रिपोर्ट कर किए हैं हमारे ऊपर नाना प्रकार। वो किसी और से हमेशा इनो टाइम हमेशा किसी न किसी से हमेशा बतियाती रहती, वो भी मेरी पत्नी रंगरलिया मना रही है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन से शब्द बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताते चलूँ कि फ्रेम में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनकी एक नहीं दो दो शादियाँ होती हैं लेकिन दोनों में से किसी पत्नी से पति का सुख नहीं मिलता, पत्नी का सुख नहीं मिलता, पति का दर्जा नहीं देती हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है भैया? अनमोल जी हमारा नाम है। आपका ये क्या मामला, आपने ऑफ कैमरा बताया कि हमारी पहली शादी हुई वो भी पति नहीं मानती है और दूसरी हुई तो उसने तो पूरा भंडाधारी कर दिया, तो पहली शादी कब हुई और क्या मामला हुआ पहले वो बताएं। पहली शादी हमारा 2015 में हुआ था, जो कि कटहरगंज हुआ था, मुहाव के लगे कटहरगंज है। अच्छा, वहाँ पर खुशबू जी से हमारा शादी हुआ था। खुशबू जी से? जी खुशबू जी से। और दूसरी शादी 2020 में हुआ, जो कि राजा तालाब के धरती पे, और रेखा जी से। तो ये पहली शादी में ऐसा क्या हुआ कि दूसरी शादी करनी पड़ी? पहली शादी हमारा बचपन में हुआ था। अच्छा, बचपन में हुआ था। तो बचपन में ही शादी पहले की जो रीति रिवाज थे उसे करा दी गई? जी जी, घर वाले के मतलब रीति रिवाज से करवा दिए थे। खुशबू जी जिसे बचपन में हुआ था, तो वो पहले होता था ना 2-3 साल बाद गौना आता है, तो 2-3 साल बाद गौना आया तो मतलब उसमें हम पति स्वीकार नहीं की, टच वच नहीं करने देती थी, हमसे बोलती थी नहीं, कोई मतलब नहीं रखती थी, नैहर चली जाती थी तो आती नहीं थी। खुशबू जी? जी खुशबू जी। मतलब खुशबू जी से जब आपकी पहली पत्नी खुशबू जी से शादी होती है तो करीब शादी के 2-3 साल बाद यानी गवना के रूप में वो आती हैं घर पे, लेकिन टच नहीं करने देती हैं और जो भी मतलब शारीरिक संबंध पति पत्नी के बीच होता है वो नहीं होता है? हाँ वो नहीं होता है, पर उसी बीच मतलब वो नैहर चली जाती है तो फिर आती नहीं है, थाने से लिखा पढ़ी करके मतलब उठा के, तो उसे मैं बोली कि हमारे न जाने में शादी हुआ है इसलिए मतलब हम मतलब इसको पति स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, खुशबू जी बोली? हाँ खुशबू जी बोली, तो उसी में हमारा उससे तलाक हो गया। अच्छा, मतलब पहली पत्नी ये कहती है कि मेरी बिना मर्जी के बचपन में शादी हो जाती है, मैं इनको पति स्वीकार नहीं करती हूँ और थाने में जाके आपसे तलाक के लिए बोलती है, मतलब पुलिस वालों से? हाँ, हम जब विदाई गए मतलब कंप्लेन किए थे तो उसमें जब धर पकड़ गई तो बोली कि मतलब हम इसको मतलब पति स्वीकार नहीं करते, हमारा बचपन में शादी हो गया था, हम इसको अपना पति स्वीकार नहीं करते, उसी में मतलब हम लोग का तलाक हो गया। तलाक भी हो गया जी। उस दूसरी शादी कब हुई और कैसे हुई और उनसे वो क्यों नहीं पति का दर्जा देती हैं? दूसरी शादी जो राजा तालाब की धरती पर रेखा जी से हमारी शादी हुआ है 2020 में हुआ, 15 तारीख को हुआ था, जो कि हमारे यहाँ कुल 20 दिन थी, 20 दिन मतलब थी, वहाँ हमारे यहाँ आई तो मतलब उनको मतलब उल्टी चक्कर होकर जैसे आने लगा, तो अपने यहाँ हम उसको अल्ट्रासाउंड कराना चाहे, दवा कर रहे थे, दवा नहीं सही काम कर रहा था, तो अपने यहाँ आशा फुआ से मतलब भेंट करिए, तो आशा फुआ बोली कि इनका मतलब जब भी थोड़ा वो दवा नहीं काम कर रहा है तो इसको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, तो वो हिसाब से दवा चलेगा तब काम करेगा। जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मतलब हम उसको बोले तो अपने घर वालों को मतलब बुला के ज़बरदस्ती हमको चवेपुर थाने में मतलब हमको बंद करा के, और ज़बरदस्ती मतलब जो भी सिकड़ी अंगूठी मिला था और गहनी गहना जो हमारा मतलब नौ थान गहना चढ़ाए थे और हमारे दीदी का भी गाना होना था। रेखा देवी मतलब जो कि शादी के महज 20 दिन ही हुए थे और आपको पता चलता है कि मतलब वो पेट से उनका बच्चा होने वाला? जी जी, उसी दौरान मतलब हमको मतलब बंद करा के मतलब हमारा रकम हम और गाड़ी जो सिकड़ी उठी गाड़ी मिला था उसको सब कुछ लेके चली गई, और फिर मतलब आई नहीं। तो मतलब उन्होंने क्यों किया, मतलब क्या उनको वो बच्चा नहीं होना चाहती थी, ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या आपको संदेह था कि वो आपका बच्चा नहीं था, ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार की कि आपका पैसा ले ली, आपको मारवाई भी, मतलब जो भी आपके साथ उलझुल हरकतें की, तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस बात वही बच्चा के लेकर हुआ था कि मतलब हम बोले कि नहीं अभी हम नहीं जाने देंगे, वो बोली कि नहीं हम वहाँ से कराएंगे, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर है। अच्छा, मतलब 20 दिन के बाद जब वो मतलब पेट हुई तो आपने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वो बोली कि हम अपने घर कराएंगे और आप जीत पे अड़े कि हम यहाँ कराएंगे जी। अच्छा, तो उसी दौरान मतलब वो ज़बरदस्ती हमको बंद करा के चली गई, तो मतलब हमको भी शक डाउट होने लगा कि आखिर बात क्या है कि मतलब तू हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं कराई,
और फिर जब वहाँ वो कराई भी तो हमको कागज भी नहीं दिखाई और इतना ले कि बच्चा हो भी गया तो हमको फोन नहीं की। अच्छा। और हमको दूसरे से पता चलता है कि मतलब आप ही की पत्नी का, यानी आप ही का बच्चा हो और आप ही की पत्नी आपको इन्फॉर्म नहीं करती है? जी हमको बताई नहीं। और प्लस जब हमको कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि नहीं तुम्हारे तुमको लड़की हुआ है, तो हम मतलब वहाँ पर मतलब जाते हैं तो हमको मतलब घर में बंद करके सब बहुत मार मारे थे। अच्छा, मतलब पत्नी के घर वाले आपको घर में बंद करके मारते पीटते भी हैं? हाँ। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की कि मेरी पत्नी मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करती है, मुझे अपने घर वालों के द्वारा पिटवाती है, या ऐसा कुछ FIR नहीं किया आपने? हम कंप्लेंट किए हैं, विधायक का कंप्लेंट बार बार करते हैं, उसके पिताजी SDM के ऑफिस में चपरासी हैं। अच्छा, आपकी पत्नी के? हाँ, हमारे पत्नी के पिताजी SDM के ऑफिस में चपरासी हैं। उसी उन्हीं के दौरान मतलब हमको बाती बाती में मतलब हमको जेल करवा देते हैं, हमको जाए जहाँ मतलब हमको बंद करवा के मरवा देते हैं। यानी मतलब लड़की होने का कहीं ना कहीं आपके अनुसार आपका ये आरोप है कि वो फ़ायदा उठाती हैं और मतलब कह सकते हैं प्रताड़ित करने के मामले में या दहेज के मामले में किसी न किसी तरीके से आपको फंसा के और आप ही को उल्टा जेल भिजवा देती हैं? हाँ, उसके पिताजी मतलब उनको SDM का सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, SDM के वास्ते मतलब हम तो आप बहुत बड़ा मतलब आरोप लगा रहे हैं कि वो SDM साहब यहाँ काम करते हैं, उनके पिताजी, तो कहीं ना कहीं सोर्स लगवा के आपको जेल भिजवाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जी जी, और हमको धमकी देते हैं, तुम्हारे जैसे साले तुमको मैं खड़े खड़े उठवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा तुमको, मतलब वो नाना प्रकार का बात बोलते हैं, तेरे जैसे मेरे को 50 दामाद मिल जाएंगे। अच्छा। तुम साले मामूली से टेम्पू ड्राइवर हो। अच्छा, आपने कभी अपनी पत्नी से ये नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? और आपको क्या लगता है कि जो आपको बेटी हुई है क्या वो आपकी ही बेटी है, या कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या किसी मतलब अन्य व्यक्ति की, ऐसा कुछ? अब तो भैया आप लोग खुद इतना समझदार हैं कि जब हमारे अगर जब हमारा रहता तो हमको फ़ोन करती, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करा मतलब उसको रिपोर्ट देती हमारे यहाँ ना, और जब वो सही नहीं थी तो मतलब गलत नहीं हो, हम भी ना गलत समझेंगे ना। अच्छा, आपने ऑफ कैमरा बताया था कि मतलब आप अभी आपको हर्जाना भी देना पड़ता है अपनी दूसरी पत्नी को हर महीने? हाँ, वो कचहरी से मतलब दहेज पड़ता है, घरेलू हिस्सा मतलब नाना प्रकार के, उसके पिताजी बताए ना कि SDM के ऑफिस में चपरासी हैं, उन्हीं के दौरान मतलब नाना प्रकार का रिपोर्ट करते किए हैं हमारे ऊपर नाना प्रकार। पत्नी की गलती भी है लेकिन पत्नी दहेज प्रथा का भी केस करती है, प्रताड़ना का भी केस करती है, और फिर मतलब सेटलमेंट के लिए हर्जाना भी लगा देती है। हाँ, और वो उसको तो हम बहुत प्यार से बात करते हैं, हम कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि हम उसको फ़ोन नहीं करते होंगे, हम तो हर दिन मतलब उसको फ़ोन करते हैं, पर वो फ़ोन रिसीव नहीं करती है, वो किसी और से हमेशा इनो टाइम हमेशा किसी न किसी से हमेशा बतियाती रहती है वो भी। देखिए, इस बात में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जितनी भी IPC CRPC की कानून की किताबें हैं, मैं आपको बताते चलूं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर पत्नी कोई गलत काम करती है तो पति उस पर इल्ज़ाम लगा दे, पति उस पर FIR कर दे, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर पत्नी चाहे तो दहेज प्रताड़ना का केस कर दे, अगर पत्नी चाहे तो घरेलू हिंसा का केस कर दे, अगर पत्नी चाहे सेटलमेंट के लिए हर महीने हर्जाना भी मांग सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इनके साथ, इनकी पत्नी, जैसा कि इनका आरोप है, इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ना हमने देखा है, ना सुना है, ना जाना है, जैसा कि इनका आरोप है कि हमारी पत्नी हम पे उल्टा केस करती है, हमको पति का प्यार भी नहीं देती, पहली पत्नी से तो गए भी थे बेचारे, दूसरी पत्नी भी नहीं रही, वो भी इनको प्यार नहीं करती हैं, और हर्जाना खर्चाना में 8000 रुपया देना भी पड़ता है। बोलती है तुम तो काले हो, मैं तुमको काला देख के इसलिए शादी किया था कि तुम हमारा गुलाम बन के रहोगे, हम जैसे आपकी पत्नी कहती है कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, और मैंने शादी इसलिए किया था कि तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। जी जी। हाँ। तो हम तो मतलब बोले कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहोगी ऐसे ही हम रहने के लिए तैयार है। बाकी वो हमको मतलब बहुत टॉर्चर करती थी हमारे यहाँ। आप ऑटो ड्राइवर हैं? जी, हम ऑटो ड्राइवर हैं। कितने महीने का कमा लेते हैं? अरे भैया, ये तो मतलब भाड़े का ऑटो चलाते हैं। अच्छा, आपकी खुद की ऑटो नहीं है? नहीं नहीं, भाड़े का चलाते हैं। तो पत्नी को ये जो हर्जाना देना पड़ रहा है 8000 रुपया महीना, ये कैसे देते हैं? अरे भैया, हम तो बता रहे हैं कि 300-400 कमाने में हमारा कुरकरम हो जाता है, इस टाइम सवारी कौन से मिल रही है, सवारी तो मिल ही नहीं रहती है। पत्नी को तो 8000 रुपया देना ही है महीने का। हाँ, वो मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, मतलब अथवा कर दी है, मतलब लागू हो जाने वाला है। लागू हो जाएगा? 8000 को लिखित मतलब अथवा की है, 8000 का लागू हो गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब एक लड़की होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, मतलब कानून भी उनकी तरफ ही कहीं ना कहीं झुकाव में है, उनकी ही सुनवाई हर जगह होती है? नहीं, अब कौन सी सरकार वो लोग का सुनवाई कर रहा है हमको तो नहीं मालूम है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि लड़की लोग का अगर इसी तरह मन अगर बढ़ता रहेगा तो भविष्य में इसी तरह कभी कोई लड़का किसी लड़की से शादी भी नहीं करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपकी दूसरी पत्नी जो रेखा जी है ना जी। वो हो सकता है वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे, हाथ वो जोड़ के अगर कुछ कहना हो तो कह दीजिए। अरे भैया, रेखा जी से हमारा तो यही कहना है कि जिसे वो
जितना हम पहले चाहते थे, अगर वो आएंगे तो हम उतना ही उसी तरह रखेंगे। यानी इतना सब होने के बाद? हाँ, इज्जत से रहे हमारे यहाँ तब। अच्छा, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद पत्नी मरवा देती है, पिटवा देती है, जेल भेजवा देती है, उसके बाद भी प्यार से रखेंगे? हाँ भाई, हमारा एक लड़की भी है उसके यहाँ, चाहे चोरी हो चाहे जैसे भी हो, बाकी नाम तो हमारा ही है, वो रहेगी तो हमको तो भाई हम रखने के लिए तैयार है। अभी तो बीच में हमारा माता जी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, जो शासन प्रशासन है, जो योगी जी देख रहे होंगे, जो भी सरकार देख रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आखिर आप इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? हमारा वो लोग से हाथ जोड़ से मतलब विनती है कि मतलब हमारे मतलब सपोर्ट जल्द से जल्द करे, और हमारे जैसा और किसी और भाई बहना को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत दुख होता होगा कि पहली शादी की है, 4 साल से भैया परेशान है, हमारे दर पर किसी और कोई रहता तो अपना जान दे देता। मतलब ये तो हाँ। ये तो बहुत दुख की बात होगी कि पहली शादी की है, पहली पत्नी हुई, उससे भी सुख नहीं मिला और दूसरे ने तो इतना सुख दे दिया कि पूरा तार तार ही कर दिया। जी जी, हमारा मतलब मोदी योगी जी से मतलब पूरे सबसे हमारा यही निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करिए, कि हमारा मतलब बीबी हमारे घर आए, और हम यही चाहते हैं। जरा सोचिए कितने दुख के बात है, एक पति को ऑन कैमरा ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बीबी को मेरे घर वापस ला दो। ये तो वही बात हुआ, लेकिन पत्नी मनमानी करने पे ही उतर गई है, जैसा कि इनका आरोप है। ये वही बात हुआ कि खरबूजा चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। बाकी इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनकी दोनों पत्नियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का साथ आ रहा।